नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप भाटिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाजिर हूँ आपके सामने इनकम टैक्स से रिलेटेड एक डिस्कशन, पर्टिकुलरली नॉन रेजिडेंट के टैक्सेशन का लेकर के। देखिए, नॉन रेजिडेंट कौन है वो अपने आप में एक इशू है, जिसका डिटर्मिनेशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 6 यानी सेक्शन 6 डिसाइड करती है कि एटलीस्ट 182 डेज का रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया में आता हो तो बंदे को रेजिडेंट माना जाएगा। परंतु मैं उस डिटर्मिनेशन में नहीं जा रहा, वो एक फैक्चुअल बात है, उस पर कभी भी डिस्कशन अलग से करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर मैं नॉन रेजिडेंट की इंडियन इनकम की बात करूं, तो पहली बात कि क्या क्या हेड्स में नॉन रेजिडेंट को इंडिया में इनकम हो सकती है, तो मुझे लगता है बहुत सारों को हमारे को जानकारी है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी अगेन आई जस्ट से नॉन रेजिडेंट मे हैव सैलरी इनकम इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट मे हैव बिजनेस प्रोफेशन इनकम इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट मे हैव हाउस प्रॉपर्टी इनकम इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट मे हैव कैपिटल गेन इनकम इन इंडिया, एंड नॉन रेजिडेंट मे ऑल्सो हैव इनकम बाय वे ऑफ अदर सोर्सेज इन इंडिया। लेकिन सर, ये तो बात मैंने करी हेड्स से रिलेटेड। अब नॉन रेजिडेंट का जो टैक्सेशन आस्पेक्ट जाता है, उसमें कुछ विषयों पर हमारे कन्फ्यूजन बने रहते हैं। जैसे यदि आप हेडवाइज इनकम का डिटर्मिनेशन करते हो, तो क्या एक रेजिडेंट के अपेक्षाकृत नॉन रेजिडेंट को हेडवाइज कोई अलग डिटर्मिनेशन क्राइटेरिया फेस करने पड़ते हैं क्या? तो मोटा मोटी इसका आंसर ये है कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के ही हेडवाइज इनकम कंप्यूटेशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, इनकम का डिटर्मिनेशन लगभग सेम रहता है, एक्सेप्ट कुछ विशेष केसेस में। जैसे यदि एक नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में कैपिटल गेन की इनकम कमाई है इंडियन कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करके, तो उसका कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन फॉरेन करेंसी जिसमें कि उसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है उसी टर्म्स में किया जाएगा। तो जो हम नॉर्मल मोड अडॉप्ट करते हैं इंडेक्सेशन का लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में रूपी टर्म में, वो नॉन रेजिडेंट के लिए लागू नहीं होता। हालांकि इट इज एडवांटेजियस पर्टिकुलरली इन अ फॉलिंग रूपी सिनारियो, जहां आप इंडिया से वापस अपना इन्वेस्टमेंट लेकर के जाते हो एंड यू फाइंड के इन्वेस्टमेंट तो अप्रिशिएट हुआ पर डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, तो आपका नेट कैपिटल गेन इन डॉलर टर्म्स जो कम हुआ है उसका गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है। ऐसी व्यवस्था सेक्शन 48 फर्स्ट रूजो में की है। लेकिन मैंने जैसे कि पहले कहा कि अगर मैं कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ दूं, तो इसके अलावा बाकी की परिस्थितियों में नॉन रेजिडेंट का मोर और लेस इनकम का कंप्यूटेशन उसी तरीके से होता है जैसा कि हम रेजिडेंट के लिए करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आएगा सर, क्या नॉन रेजिडेंट को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलता है क्या? तो यहां पर सर आंसर फेवरेबल जाएगा, यस, अ नॉन रेजिडेंट में ऑल्सो अवेल द बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इन इंडिया फॉर एन इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल एट द स्पेशल रेट। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, फॉरेन इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल एट स्पेशल रेट? इसका सीधा सा तात्पर्य यह है सर, यदि नॉन रेजिडेंट को इंडिया में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है जो सेक्शन 112 में आती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम है जो सेक्शन 111 ए में आती है, या ऐसी ही कोई और स्पेशल रेट के टैक्सेशन की इनकम है, तो सर स्लैब रेट का बेनिफिट डिनाइड है। अदरवाइज नॉर्मल इनकम, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नॉन रेजिडेंट को इंडिया में रेंटल इनकम हुई, तो सर उस रेंटल इनकम पर 30% डिडक्शन भी मिलेगा जैसा कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में मिलता है, और उसके साथ साथ सर उस इनकम पर मान लीजिए 10 लाख का किराया है, 3 लाख का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 7 लाख बच गए, 7 लाख पर स्टैंडर्ड आप तरीके से जो स्लैब रेट लगाते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल पर, वो एक नॉन रेजिडेंट पर भी लगाइए, दैट इज हाउ द कंप्यूटेशन विल बी अवेलेबल एंड द बेनिफिट ऑफ स्लैब रेट विल बी अवेलेबल टू द नॉन रेजिडेंट। अब यदि नॉन रेजिडेंट के पास में स्पेशल रेट की इनकम है, मैंने आपको बोला स्लैब रेट नहीं है, अदरवाइज मिलेगा। इसके साथ साथ एक पॉइंट और, क्या नॉन रेजिडेंट को पर्टिकुलरली 80C का बेनिफिट मिलता है क्या? तो सर यदि हम 80C जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, LIC कॉन्ट्रीब्यूशन, PPF, होम लोन से रिलेटेड प्रिंसिपल एक्सेट्रा, तो सेक्शन 80C सर कोई डिस्टिंग्विशमेंट बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट नहीं करता। इसका मतलब आपको वहां पर भी एज अ नॉन रेजिडेंट यदि आप डिडक्शन के बेनिफिट लेना चाहें तो ले सकते हैं। सो द पॉइंट विच वी कैन कैरी होम इज वॉट, के नॉन रेजिडेंट के टैक्सेशन में हमें क्या बात ध्यान रखनी है। नंबर वन, रेजिडेंशियल स्टेटस का डिटर्मिनेशन जो सेक्शन 6 के हिसाब से हो। नंबर टू, हेडवाइज इनकम जब तक स्पष्ट रूप से लॉ ना बोले तब तक वैसी ही इनकम कंप्यूटेशन रहेगी जैसा कि हम नॉर्मल केसेस में करते हैं। क्लबिंग के प्रावधान नॉन रेजिडेंट पर भी लागू होते हैं। क्लबिंग के प्रावधान के साथ साथ चैप्टर 6 लॉसेस का एडजस्टमेंट नॉन रेजिडेंट पर लागू होता है।
और इसके साथ साथ सर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट भी एक नॉन रेजिडेंट को मिलता है। परंतु मेरा ये डिस्कशन सर मोर और लेस कंपनी से जुड़ा हुआ है, सॉरी इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ है, यानी इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए तो मेरी ये बातें लागू होगी, परंतु कंपनीज की परिस्थितियों में हमारे को थोड़े से अलग प्रावधानों पर चर्चा करनी पड़ेगी। तो मेरी आज के डिस्कशन को सर मैं इंडिविजुअल तक सीमित रखता हूँ। हालांकि समाप्त करने से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट विषय पर बात करना चाहता हूँ सर, वेदर देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनआर दैट इज नॉन रेजिडेंट एंड एनआरआई। यस सर, एनआरआई इज अ स्पेशल कैटेगरी अमंग्स एनआर, और एनआरआई को डिफाइन किया सर सेक्शन 115 सी में, जो भारतीय सिटीजन है या भारतीय मूल का है, परंतु सेक्शन 6 में जो भारतीय सिटीजन होने के बावजूद भारत से बाहर रेजिडेंट हो गया है, यानी इंडिया में नॉन रेजिडेंट हो गया है, तो उसको सर एनआरआई माना गया है। और एनआरआई को सर एज कंपेयर टू अ नॉर्मल एनआर कुछ विशिष्ट बेनिफिट लॉ में दिए गए हैं, जिन पर भी मैं चर्चा किसी और स्लाइड के थ्रू, किसी और पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के थ्रू करने की बात करूंगा। तो आज के लिए सर मैं आपका जो ध्यान आकृष्ट करना चाहता था वो इस पर कि नॉन रेजिडेंट की इनकम कंप्यूटेशन पर्टिकुलरली इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में मोर और लेस उसी प्रकार से की जाती है जैसे हम एक रेजिडेंट के केस में करते हैं, एक्सेप्ट इन सर्टेन स्पेशल केसेस विच आर स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड बाय द लॉ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अ पेशेंट लिसनिंग टू मी। आई विल ट्राई इफ आई कैन कम अप विद सम मोर क्लैरिटी ऑन नॉन रेजिडेंट रिलेटेड टैक्सेशन फॉर योर रेफरेंस, एंड विल बी ट्राइंग टू सॉर्ट आउट योर क्वेरी एज यूजुअल। थैंक यू वेरी मच।